हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू वर्ड सक्सेस में। और ये हमने नई सीरीज स्टार्ट की है आज आप लोगों के लिए, जो हम कवर करेंगे पार्ट ए के अंदर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को। इसमें है सामान्य भौतिकी, इसमें एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे, बिल्कुल हिंदी में होगा, हिंदी में प्रश्न होगा, हिंदी में ऑप्शन होंगे, हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि हिंदी वाले जो बच्चे वो शिकायत करते थे, जो हमारे साइड में पैरेलल में चल रही है दूसरी सीरीज़, वो तो कंटिन्यू रहने वाली है जो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में है। उसमें एक्चुअली क्या था कि इंग्लिश के जो ऑप्शन है वो आपको इंग्लिश में ही मिल रहे थे, ऑप्शन मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बोल रहा था, लेकिन आपकी शिकायत थी कि आप उनको हिंदी में कीजिए, तो मैंने कंप्लीट ही हिंदी में कर दिया है आप लोगों के अलग से। उसे भी लगाइएगा और इसे भी लगाइएगा और तैयारी को बेहतर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे अकेडमी पे फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। कुछ वीडियोज आपको वहाँ पर मेरे देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये एकदम फ्री है, और अगर आपके पास में अनअकेडमी का लर्निंग ऐप पहले से है तो आप मुझे सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे वहाँ पर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। एक्चुअली हम यहाँ पर एक बुक रेफर करने वाले हैं जो कि है किरण पब्लिकेशन की। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं, और बाय द वे मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि साइकिल चलाने वाला जब मोड़ लेते समय क्या क्यों झुक जाता है। ठीक है, क्यों झुक जाता है या झुकता है, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अब हिंदी में है तो पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि एक्सप्लेनेशन भी होता रहे। ओके, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के अंदर बना रहे और यह उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होगी। फेराडे में ध्रुवीकरण होता है, वो क्वेश्चन नंबर टू है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, नॉन रेसिप्रोकल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको हिंदी में अगर देखें ये होगा गैर पारस्परिक ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर तीन पढ़िएगा, क्यों एक लोहे का टुकड़ा पारे में तैरता है एवं पानी में डूब जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसको आप राइट आंसर दीजिएगा। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, पारा का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए पारे में उत्प्लावन पानी के उत्प्लावन से अधिक होता है। जब भी आपको तैरने से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो अधिकांश उसमें आप देखेंगे जो आंसर होगा वो घनत्व पर ही डिपेंड करता है, जितना घनत्व अधिक होगा उतना ही तैरने में आसानी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक ट्रक और कार एक ही गति से जा रहे हैं, ट्रक का भार कार के भार का 10 गुना अधिक है, उनके गतिज ऊर्जा के बीच अनुपात होगा। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, आप देख रहे हैं यहां पर जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, भार 10 गुना हुआ है तो सिर्फ m जो है वो चेंज हो रहा है, m चेंज हो रहा है, यानी कि उसका जो भार है वो चेंज हो रहा है, तो सिर्फ इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है, तो T1 और T2 के बीच सही संबंध क्या है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर चूज कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए होगा क्यों, अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, दिल्ली जो है एक तरीके से देखा जाए समतल पर बसा हुआ है, और शिमला कहाँ पर बसा हुआ है, ये पहाड़ी क्षेत्र इलाका है। अब आपको पता होगा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, पहाड़ी पर जाते हैं, तो जो वायुमंडल दाब है वो कम होता जाता है। एक चीज़ और आपको पता होगा कि अगर दाब बढ़ा दिया जाए, दाब बढ़ाने से जो द्रव का क्वथनांक है वो बढ़ता है, लेकिन शिमला में क्या होगा, जो दाब है वो थोड़ा कम होगा, तो जो क्वथनांक है
वो भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह महसूस करता है, वस्तु का उद्भव बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? चलिए इसके मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन आपके ये रहे, देखिए 6 के ऑप्शन आपको यहाँ पर हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इनको शेयर कर देंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको चाहते हैं, तो मैं इसकी जो गति है अपनी वीडियोज़ को लाने की, एक दिन में 2 से 3 से 4 वीडियोज़ आप तक पहुँचाऊँगा ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है ठोस वस्तु का घनत्व। ऑप्शन नंबर 2 ठोस वस्तु का घनत्व। वह सिद्धांत जो कि एक पिंड द्वारा उत्प्लावक बल अनुभव करने की व्याख्या करता है जबकि वह द्रव में अवमंजित कर दिया जाता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आर्कमिडीज। आर्कमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबो जाती है तो उसके भार में एक आभासी कमी हो जाती है और भार में आभासी कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस अवस्था में भी रहता है और द्रव अवस्था में भी रहता है, यानी कि थोड़ा सा पानी में भी रहता है, थोड़ा सा बर्फ में भी रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 समान वेग और परिवर्ती त्वरण। समान वेग और परिवर्ती त्वरण, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो वो समान वेग तो उसका समान होता है लेकिन उसका हर एक बिंदु पर जो त्वरण है वो बदलता रहता है और दिशा भी बदलती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए। 1 किलोवाट ओवर 1 यूनिट है, किसकी यूनिट है आपको बताना है। ये आप सभी जानते हैं ऊर्जा का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 11। किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई का गुणनफल आपको बताना है, किसका गुणनफल होगा? ये भी सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं द्रव्यमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। जब दूध को आप मिलोते हैं तो उससे जो मक्खन अलग होता है, क्रीम अलग होती है, उसका कौन सा कारण है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 अपकेंद्री बल। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। चलिए इसके ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। दो ऑप्शन आपको नेक्स्ट आगे स्लाइड में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं तो आप देखिए, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, वायु दाब जो होता है पहाड़ों पर क्या होता है, कम होता है, इसलिए जो पानी है वो कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। ओके, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है कि जो प्रत्येक क्रिया अपने ही बराबर की प्रतिक्रिया रखती है। तो जैसे ही रॉकेट ऊपर उड़ता है उससे जो गैसें निकलती हैं पीछे की तरफ, गैसें तो पीछे की तरफ निकलती हैं लेकिन उसको धक्का देती हैं आगे की तरफ, यानी कि रॉकेट को धक्का आगे की तरफ मिलता है, गैसें पीछे की तरफ निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का तीसरा नियम, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकने वाला हूँ, क्योंकि आगे मैं आपके रिस्पॉन्स से ही इसको काम करूँगा। जितना आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो इसको मैं उतनी ही तेज़ी के साथ में उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप किस कितनी वीडियोस चाहते हैं इस टाइप की, तो मैं उसी प्रकार से करूंगा। और आप इसको एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।